भगवान श्री राम वाल्मीकि जी महाराज के यहां श्री जानकी जी श्री लक्ष्मण जी के साथ ठहरे हुए हैं। रहने का स्थान पूछा वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जी ने कहा आप जहां न हो वही जगह आपके रहने के लिए बताऊं। सुनो राम अब कहूं निकेता, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना रखा हो आपकी कथा रूपी सरिता के लिए, उनके हृदय में रहे, जिन्होंने अपने नेत्रों को आपके दर्शन के लिए चातक बना रखा हो उनके हृदय में रहे, जिन्होंने अपनी वाणी को आपके चरित्र रूपी मान सरोवर से गुणगण चुनने के लिए हंसनी बना रखा हो उनके हृदय में रहो। ऐसे ऐसे उपाय बताए कि जिसमें सबका भला हो सकता है, क्योंकि जग मंगल गुण राम राम के। तुम्हें निवेदित भोजन करही, एक महात्मा थे नाम था श्री माधव दास जी, रहते थे वृंदावन में। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, मिलेगी जो रसिकों की झूठन प्रसादी, मिलेगी जो रसिकों की झूठन प्रसादी, उसे पाके सेवा के हर दम गुजारा करेंगे, उसे पाप हर दम गुजारा करेंगे। जिसको श्री धाम वृंदावन का ऐसा सुख मिल गया हो वो तो यही कहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है, वृंदावन
रसिक महात्मा माधवदास जी वृंदावन में रहते, लताओं में छिपकर रहते, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नाम स्मरण करते, ध्यान से उठते, भूख का समय हो जाता, पास के ही आश्रम में संतों की पंगति होती और पंगति के बाद जब पत्तल फेंक दिए जाते, सब संत अपने अपने स्थान को चले जाते, तब माधवदास जी निकलते और संतों की पत्तल से शीत प्रसाद इकट्ठा करके उस संतों की जूठनी से भगवान का भोग लगाते, फिर स्वयं पाते। तुम्हें निवेदित भोजन करही, नित्य का यह नियम। एक दिन भगवान को भोग लगाना भूल गए, भूख ज्यादा लगी थी, जल्दी जल्दी शीत प्रसाद इकट्ठा किया, ग्रास मुंह में रख लिया और ग्रास मुंह में रखते ही याद आ गई, करे आज भगवान को भोग नहीं लगाया, तो सोचा ग्रास उगल दें, तो फिर सोचने लगे संतों का प्रसाद उगलना ठीक नहीं है, तो निगल जाओ, का भगवान को भोग नहीं लगाया इसलिए निगलना ठीक नहीं, ना निगलते बने ना
उगलते हैं। संतन को यह सीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो। संतों का प्रसाद उगले कैसे, भगवान को भोग नहीं लगाया तो निगले कैसे, बैठे बैठे आंसू बहाते रहे। भई गति सांप छछुंदरी की काह करूं कछु सोच न पायो, बीत गयो वह वार विनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। दिन भर बैठे रहे, रात भर बस आंसू बरसते रहे, न उगलते बने न निगलते। दूसरे दिन सवेरे सवेरे आवाज सुनाई पड़ी, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे दास। कल से भूखा हूं, तुमने खिलाया नहीं। यद्यपि मैया ने तो मुझे दही माखन दिया, मैया ने माखन दधि दीनो मेरे मन नहीं भायो। सखियन के दधि माखन को नहीं मन मेरो ललचायो, पास तुम्हारे माधव पास तुम्हारे। माधव दास जी ने कहा, कल से मुख में रखे हूं ग्रास, उगलता हूं तो संतों के प्रसाद का अपमान होता है, निगलता हूं तो आपको भोग नहीं लगाया। भगवान कहने लगे, एक काम करो, मुंह में जो कल से ग्रास रखा है उसमें थोड़ा सा तोड़ के पहले मुझे खिला दो तो मेरा भोग लग जाएगा और उगलना नहीं पड़ेगा ग्रास को, तो संतों के प्रसाद का अपमान नहीं होगा। माधव दास कहने लगे, वाह प्रभु, अपना जूठा खिलाएं आपको। भगवान बोले, अरे यार, अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपने ही जूठा खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। पर माधव दास सिर हिलावे, भगवान कहें कि नहीं नहीं, खिलाना पड़ेगा। माधव दास ने सोचा तो खा ही लेना अच्छा है, तो ग्रास निगलने लगे और भगवान उनका सिर पकड़ के नीचे तरफ मुंह करें, तो छीना झपटी में ग्रास तो निगल गए पर कुछ टुकड़े नीचे गिर गए।
माधव मगन भये मन में जब माधव ने समझायो और सीत गिरो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। माधव पास तुम्हारे ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। केवल एक ही नियम तो था तुम्हें निवेदित भोजन करें। वाल्मीकि जी ने इस तरह भगवान को अनेक स्थान बताए, अंत में कहा चित्रकूट गिरी करहु निवास। भगवान चित्रकूट पधारे, आनंद पूर्वक कोल भीलों के आतिथ्य में भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। अब कोल भील बातें कैसे करते हैं भगवान से, अरे हम बनवासी कोल भील के बिटुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ हम बनवासी कोल भील के बिटुआ रहुआ राजा बाबू हुआ हम वन में रहने वाले कोलवीलों के बालक हैं, लेकिन प्रभु आप तो राजकुमार हैं। हम वनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग हम वनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग हम वन में रहने वाले हैं, आपके लायक नहीं। लायक नहीं तो हमारे पास आ कैसे गए। बालक कहते हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मन निझ गईला मन निझ गईला तोहरा देखी के सुभवा रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ हम बनवासी कोल भील के खिलाई का पिलाई कहवा आसनी लगाई का पिलाई कहा पिलाई कहवा आसनी लगाई क्या खिलाएं क्या पिलाएं कहाँ ठहराएं। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, है पर आपके योग्य नहीं। हम अनेक धन फल फूल और पतुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ हम वनवासी कोल भील के बिटुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ राजा बाबू हुआ रहुआ। हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं। एक बात पूछे, कोई तोहरा घरे बाटे, आपके घर में और कौन कौन है, क्या बात। कोई तोहरा घरे बाटे माई बाबू बाकी ना माई बाबू बाकी ना माई बाबू बाकी ना। आपके घर में और कौन कौन है, माता पिता हैं या नहीं, उनके बारे में क्यों पूछ रहे। अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मनी मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। भगवान ने सोचा इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। श्री राम जी ने कहा हम लोग साधु हैं, साधुओं से ऐसे प्रश्न मत पूछो कि घर में कौन कौन है। भील बालक बोले पूछते तो नहीं लेकिन तपसी के बेस तोहरा
तपसी के वेश तोहरा लागता बनुआ रुआ राजा बाबू हुआ राजा बाबू हुआ आपका साधु वेश बना हुआ लगता है। राम जी हंसने लगे, हंसते देखा तो कहने लगे ये भील वाला चलो हमरा घरे रह चलवा की न किछु कहा चलवा की न किछु कहा मर्जी बात तुहार किछु नहीं बात बउआ रउआ राजा बाबू हुआ राजा बाबू हुआ राजा बाबू हुआ हम बनवासी पोल दिल के बिटवा रउआ राजा बाबू हुआ राजा बाबू बिलों के इस प्रेम पूर्ण आमंत्रण पर भगवान ने कहा घर में तो नहीं जाऊंगा यही कुटिया बने। 14 वर्ष की वन यात्रा में सबसे अधिक भगवान चित्रकूट में रहे, 12 वर्ष से भी कुछ समय अधिक तक। जहां बस 12 वर्षों किए अनेक चरित्र भाव दृष्टि से देखिए चित्रकूट के चित्र। अयोध्या में असंतुलन, दुख की घड़ी गुरुजी ने सुमंत जी को बुलाया कि दो दूत दूत भेजो आनहु बोली बेग दो भाई श्री भरत और शत्रुघ्न को बुलाओ। अब शकुन श्री भरत को हो रहे थे, धावन पहुंचे आए गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। गाइए गणपति जग गाय
मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिद बुद्धि आई गणपति 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 जय कर जोरे बसही राम सिय मानस मोरे गणपति जय चले गणेश मनाए अयोध्या आए, भय के मारे किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। माता कैकेयी के भवन में गए, आवत सुत सुन कैकेयी नंदनी बड़ी हर्षित हुई। द्वार ही भेंट भवन ले आई, आरती की थाली सजाकर बाहर आई, आरती उतारी पुत्र की हृदय से लगाया, भीतर ले गई। भरत जी ने भवन सुना देखा, पूछा मां पिताजी कहां हैं, भैया कहां हैं, माताएं कहां हैं। कैकेयी जी ने कहा कि बेटा वो तो सब बात मैंने बना ली, नहीं बात तो बिगड़ गई थी, कुछ काम बिगड़ गया है तुम्हारे पिता। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद। सब कुछ बिगड़ गया बेटा, वो तो मंथरा ने समय से मुझे सावधान कर दिया। मैंने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास और तुम्हारे लिए राज्य पद सुरक्षित किया, यह शोक महाराज सहन नहीं कर सके, उनका देहांत हो गया। भरत जी को बड़ा क्रोध आया। देखो, हम लोग कहते हैं कि भरत जी संत हैं और श्री भरत जी निसंदेह संत हैं, उन जैसा संत कोई है ही नहीं। लख व्रत नेम साधु सकुचाही, पर हम क्या कहते हैं, संत तो बहुत ऊंची चीज है। और ये संत कैसे, जो इन्हें क्रोध आ गया है? हम सोचते हैं कि संत वो है जिसे क्रोध ना आता हो। ये हमारी बनाई हुई परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में संत को कसकर वह सच्चा है कि झूठा निर्णय करना कठिन ही नहीं असंभव है। भरत जी के लिए यद्यप संत नहीं कहा वहां, सुन सुट सहमे राजकुमारू, राजकुमार श्री भरत। और वैसे भी मैं एक बात आपसे कहूं कि तीन आए मंथरा में लोग, कैकेयी माता में क्रोध और दशरथ जी के मन में काम, और तीन के आने से तीन ही बन गए श्री सीताराम लक्ष्मण। लेकिन
जो काम क्रोध लोभ जिंदगी से भगवान को दूर कर देते हैं, और संत के जीवन में वही काम वही क्रोध वही लोभ लोगों को भगवान से जोड़ देता है। विष भी वैद्य के पास औषधि बन जाता है। कैकेयी जी के क्रोध ने अवधवासियों से भगवान को दूर कर दिया, और भरत जी के क्रोध ने अवधवासियों की कौन कहे कैकेयी जी को भी भगवान से मिला दिया। ये संत का क्रोध है। उस क्रोध का परिणाम देखें। एक सज्जन हमसे कहने लगे, आपके यहां के महात्मा बड़े विचित्र, हम क्या कैसे, बोले सब श्राप देते और जरा जरा सी बात पर श्राप देते, ये ऋषि मुनि कहलाते हैं, आप उन्हें बहुत बड़ा कहते हो। हमने कहा यह तो बात सही है कि वो श्राप देते हैं, लेकिन कोई कथा आप ऐसी बता दो कि जिसमें किसी महात्मा ने श्राप दिया हो जिस व्यक्ति को, उसे आगे के जन्म में भगवान न मिल गए हो। बोले हम भगवान तो मिले हैं। हमने कहा जिसका श्राप व्यक्ति को भगवान से मिला देता हो उसके वरदान की महिमा का क्या कहना है। इसलिए हमारे यहां के ऋषि मुनि सब वंदनीय है, पूजनीय है। भरत जी का क्रोध देखो, विष सामान्य व्यक्ति के पास रहे तो कठिनाई है, धोखे से अगर विष पान कर लिया तो जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन वही विष वैद्य के पास हो तो निश्चिंत रहें, वैद्य औषधि बना कर देगा। भरत जी में क्रोध, भरत जी में सूत्रात्मक रूप से ही थोड़ी व्याख्या कर रहा हूं, भरत जी में क्रोध और दूसरी बात बताऊं, भरत जी में लोभ, गुरु जी ने कहा कि भरत तुमको तुम्हारे पिता ने राज्य दिया है, राज्य पद पर बैठो, माताओं ने समर्थन किया, मंत्रियों ने अनुमोदन किया, गुरु जी ने कहा भरत तुम्हारा धर्म है, लेकिन भरत जी मना करते, गुरुदेव यह पद मुझे नहीं चाहिए, क्यों, क्या तुम्हारे मन में पद का लोभ नहीं है, क्या तुम त्यागी हो। भरत जी ने कहा कि मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं। लोभी आदमी पद छोड़ता है कि त्यागी लोग पद छोड़ते हैं। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है, किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हां गुरुदेव, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। हम राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहते हैं, और राम जी के पद कमल हैं दो, अयोध्या का राज्य पद है एक। अरे जिसे दो दो पद मिल रहे हो वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। बोलो यह है भरत जी के मन का लोभ। लेकिन आप यह देखो कि लोभ जुड़ा किससे है? लोभ जुड़ा है भगवान के चरणों से। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपेय तजई न पासु। ये भरत जी के मन का लोभ है। अच्छा चलो, क्रोध लोभ तो समझ में आए, पर एक बात मैं आपको और बताऊं, भरत जी में काम है। जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया चित्रकूट में तो क्या कहा गया, बलकल वसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश कीन रति कामा। श्री सीताराम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे रति काम ने मुनि वेश धारण कर लिया हो। तो भरत जी के मन में काम है, क्रोध है, लोभ है। अब हम लोग परेशान होंगे कि संत में ये सब, अरे भाई
संत के जीवन में इन विकारों का रूपांतरण हो जाता है। काम की वृत्ति सौंदर्य देखने की इच्छुक होती है, लेकिन संत सुंदरता राम जी में देखने लगता है। एक संत किसी तरुणी की ओर बड़े ध्यान से देख रहे थे। उस तरुणी ने कहा कि इश्क करना अगर तुझे मंजूर है तो देख ले उस नूर को, जिस नूर का ये नूर है। संत ने कहा, औरों की सूरत पे होते जो शैदा भी दुनिया में रंजो अलम देखते हैं, और तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मालिक की हम तो कलम देखते हैं, भगवान की रचना देख रहे हैं। यह है काम का रूपांतरण, जो चाम तक ही ना अटके राम तक पहुंच जाए। काम का रूपांतरण ही हमें काम से ऊपर उठा देता है, राम तक पहुंचा देता है। लोभ भगवान के चरणों का, और काम इच्छा भगवान के दर्शन की। इसीलिए तो संतों के काम के उदाहरण में दे रहा हूं। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, राम मोर पीव, राम मोर पीव, राम की बहुरिया हो, राम मैं तो राम की बहुरिया, गावहु मंगल चार आज मोरे घर आए राजा राम भर का, सखी गावहु मंगल चार, गावहु मंगल चार आज मोरे घर कबीरदास जी भी कहते हैं, राम जी मेरे पीव, मैं राम जी की बहू, हे सखी मंगल चार गाओ राजा राम भरतार। ये संतों के काम का रूपांतरित रूप है जो राम से जुड़ गया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजलीन। एक संत कहते हैं, जो जन ले खसम का नाम ताके सद बलिहारी जाऊं। माता मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह है संतों का काम, जो रूपांतरित हो गया है, जो परिवर्तित होकर प्रेम बन गया है। क्रोध जीव को भगवान से जोड़ने वाला बन गया है। लोभ भगवान के चरण कमलों का हो गया है। ये तीनों विकार जिसमें आकर ऐसा अपना रूप परिवर्तित कर देते हो, उसका नाम संत है।
भरत जी चले भगवान से मिलने, वृद्धों में और युवकों में झगड़ा, बड़ा तगड़ा। वृद्ध कह रहे थे पहले घर का इंतजाम करो, फिर भगवान से मिलने वन में चलो। युवक कह रहे थे घर में आग लगा दो ताकि लौटने का झंझट ही ना रहे। बात किसकी माननी चाहिए? एक कह रहे हैं कि घर का इंतजाम पहले, दूसरे कह रहे हैं पहले भगवान से मिलने चलो। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग, लगे आग तो रुके कौन। पर उस आग में जलने के लिए दो मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। लंगड़ा तो बेचारा भाग नहीं सकता था और अंधा उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी। तो लंगड़े ने अंधे को पुकार कर कहा कि भैया तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंखें हमारी, चरण तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। अंधे ने वैसे ही किया, लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आग से बच गए। मुझे लगता है कि आज भी समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है, पर दो जलने के लिए मजबूर, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अगर अपने कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। राम जी वृद्ध का सम्मान करते हैं। राम जी के जीवन में एक वृद्ध मंत्री जिनका नाम सुमंत, और हनुमान जी के जीवन में एक मंत्री वृद्ध जामवंत, और रावण के यहां एक परम वृद्ध मंत्री उसका नाम माल्यवंत। सुमंत जामवंत माल्यवंत, पर राम जी सुमंत का आदर करते हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। पिता के समान आदर दिया वृद्ध मंत्री सुमंत को, और हनुमान जी ने जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजे समोही। इन दोनों ने वृद्ध का सम्मान किया। राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया उस दिन जिस दिन अयोध्या का राज्य जा रहा था हाथ से, लेकिन वृद्ध के सम्मान का यह फल हुआ अयोध्या का राज्य लौटकर राम जी के पास ही आया, उनको ही मिला। यह वृद्ध के सम्मान का फल है। और हनुमान जी लंका में विजयी हुए, यह वृद्ध जामवंत का सम्मान करने का फल है। लेकिन रावण ने माल्यवंत का सम्मान नहीं किया, ललकारा। माल्यवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, बूढ़े के साथ यही व्यवहार। रावण ने कहा लिहाज ही कर रहा हूं, बूढ़ भयू न तो मरते हूं तो ही, तू बूढ़ा है नहीं तो मार ही डालता। और जहां वृद्ध का ऐसा अपमान होता हो, रावण कह रहा है कि मैं ये लिहाज कर रहा हूं कि मार नहीं रहा हूं, गाली दे रहा हूं, बूढ़ भयू न तो मरते हूं तो ही, मार ही डालता। लेकिन मार इसलिए नहीं रहा कि बूढ़े तो हो ही गए, थोड़ी देर में तो खुद ही मरोगे, ये लिहाज है।
और जहां वृद्ध का ऐसा अपमान होता हो, उसका घर सोने का भी क्यों ना हो, तो भी उसमें आग लगे बिना रह नहीं सकती। वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में कुछ लड़के चढ़े, स्कूली लड़के, 10-12 लड़के, उनका तो नाम ही लड़के लड़के, घर वालों से लड़के, मोहल्ले वालों से लड़के, बाजार वालों से लड़के। अब रेल के डिब्बे में बैठे तो लड़के, एक बूढ़ा आदमी बैठा उस डिब्बे में, बेचारा माला पर राम 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 कर रहा, और ये लड़के बैठे बैठे बोले बड़े बोर हो रहे हैं ये गाड़ी। तो कहा बोर क्या करोगे गाड़ी को? बोले जंजीर खींचो खड़ी करो। किसी ने कहा देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है 500 रुपए जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। अरे बोले तो हम लोग 500 रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। सब लड़कों ने कहा 2,500 रुपए इकट्ठा हुआ। उन लड़कों की में एक जो प्रमुख था उसकी जेब में रखा, फिर कहा कि आप जंजीर खींचो। पहले तो लगेगा नहीं पैसा, लगेगा तो लग जाए, हमारे पास तो रखे हैं 2,500। एक लड़का बड़ा चालाक था, बोले अपना एक नया पैसा नहीं लगेगा, जंजीर हम खींचेंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब बूढ़े ने हाथ जोड़े के भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये हाथ जोड़ेगा गिड़गिड़ाएगा बड़ा अच्छा लगेगा बड़ा अच्छा। लड़कों ने जंजीर खींच दी और जंजीर खींचकर विशेष चेकिंग थी, उन लोगों को बुलाया कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब बूढ़ा मन में सोचे कि 10 लड़के हम अकेले। अधिकारी ने कहा कि तुम बूढ़े हो गए शर्म नहीं लगती, क्यों जंजीर खींची? सो बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी, हमारे पास 2,500 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे हैं, मजबूरी में खींचनी पड़ी। और देखे तो जेब से सामने गिन के रखे थे, 2,500 रुपए मिल गए। अफसरों ने 2,500 रुपए बूढ़े को दिए, ईमानदार थे, और कहा कि धन्यवाद, इसीलिए जंजीर होती है, तुमने ठीक काम किया। लड़के सब पकड़ लिए गए। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़कों को बांध कर सिपाही लोग ले जा रहे थे। बूढ़ा खिड़की पर बैठा था, लड़के जब उधर से निकले तो लड़कों ने बूढ़े की तरफ देखकर जो ऐसे किया, सो बूढ़ा हंसते हुए अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बहुत चले थे। बोलो अनुभव की कीमत है कि नहीं? इसलिए अपने से बड़े का वृद्ध का कभी विरोध नहीं करें। अच्छा चलो विरोध तो नहीं करेंगे पर क्रोध करेंगे कि नहीं? कई लोग हैं जो विरोध नहीं करते, क्रोध मन में रखे रहते हैं। क्यों भाई तुम उनका विरोध करते? हम बोलते ही नहीं, बातें नहीं करते, बातें नहीं करना। अब विरोध तो नहीं पर क्रोध है कि नहीं? जहां विरोध करने के लिए मना किया जाता है वहां क्रोध भी नहीं करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल। अच्छा क्रोध मालूम क्या करता है? दूसरे की गलती के लिए अपने को सजा देना, इसका नाम है क्रोध। क्यों? गलती किसी ने की, क्रोध हमें आ रहा उसने ऐसा कहा, अरे उसने किया तुम काहे को परेशान हो। इसलिए भाई वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। अब वृद्ध कह रहे थे कि घर का इंतजाम करो, युवक कह रहे थे राम जी से मिलने चलो, तो दोनों ने सलाह की कि चलो भरत जी से फैसला कराएं। भरत जी ने कहा राम जी से मिलने बाद में चलेंगे, पहले
इंतजाम करो घर का। सीताराम जी की, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। रजधानी लागे, मन मीठो मीठो
पानी लागे। जय सियाराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले। सीता नाम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी पहले हो भरत जी ने कहा राम जी से मिलने बाद में चलेंगे। क्या आप राम जी के लिए इतना भी नहीं छोड़ सकते? भरत जी बोले छोड़ सकता हूं, पर अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता। ये संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिनु जतन चलो तजताई। सारी संपदा श्री राम जी की है। आप अयोध्या के राजा क्यों नहीं बनते? भरत जी ने कहा संपत्ति मेरी नहीं है, मैं राजा कैसे बन जाऊं? अच्छा तो त्याग दो। भरत जी ने कहा मेरी होती तो त्याग देता। अच्छा बोलो, आदमी अपनी ही संपत्ति का दान करेगा? मैं दूसरे की संपत्ति का दान तो कोई भी कर दे। एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव जय कन्हैया लाल की, लोग खड़े हो गए, उछलने लगे, नाचने कूदने लगे। एक आदमी मंच पे चढ़ गया, वो वहीं से जय कन्हैया लाल की नाचे, जय कन्हैया लाल की, और रुपए गिरावे लुटावे, 1,000, 500, 100 जो आ जाए हाथ, जय कन्हैया लाल लुटाओ दान करो, जय कन्हैया लाल की। अब लोगों ने देखा कि भगवान, इसने तो कभी चवन्नी नहीं दी, क्या पूरा कथा का असर इसी पर हुआ है या कलयुग चला गया? एक व्यक्ति बोला हमें जरा पता लगाने दो। उसने जब पता लगाया तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठा के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लुटाओ। ऐसा तो दान कोई भी कर दे। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की संपत्ति मेरी नहीं है, जो त्याग दूं।
और मेरी नहीं है कि मैं मालिक बन जाऊं। न जग छोड़ो न हरी भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। हमारे गुरुदेव कहते थे, जिनसे घर मांझ बनी न कछु, उनसे बन मांझ कहा बनी है। घर भी तो उसी का दिया हुआ है, और उस घर की व्यवस्था ठीक करके चलेंगे तभी तो भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। इसलिए अयोध्या की व्यवस्था पहले हुई, फिर भरत जी के दल ने प्रस्थान किया। अलग अलग सवारियों पर भरत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम राम को मनाने। भरत चले चले। कुछ लोग हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर, कुछ लोग डोली में, कुछ लोग रथ में, कुछ लोग पैदल। इन सबके साधन अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, जिसके साथ सभी साधना वाले चल सकें उसका नाम संत है, या जो सबको साथ लेकर चल सके उसका नाम संत है। अरे साधनाएं अलग अलग हो, इससे क्या फर्क पड़ता, लक्ष्य तो एक है। और देखो, रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। ताल में सत्संग हो रहा है, इतना बड़ा मैदान है, यहां आने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, पर उन मार्गों से जब यहां पहुंचेंगे तो जगह तो एक ही होगी। इसी तरह अनेक अनेक मार्ग हों तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लक्ष्य एक हो। हाथी पर बैठकर चलने वाले ज्ञानी जन हैं, हाथी की दृष्टि सूक्ष्म है, छोटी आंख है, सिर बड़ा है, जिसका विचार बड़ा हो उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। ऐसे ज्ञानी जन हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी जन हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, योगस चित्त वृत्ति निरोध। डोली में बैठकर जाने वाले भक्त हैं, हम तुम्हारी डोली में बैठ गए, हम तुम्हारी नाव में बैठ गए, पार लगा देना। हम डोली में बैठ गए, हमें पहुंचा देना।
सुन रे मलाल, हूँ तेरी चेरी जाता है, बस डोली में बैठा जाता है। इसी तरह भगवान के भक्त भगवान की शरणागति की डोली नैया में बैठ जाते हैं। अब पार करना तो उसके हाथ है जो लेकर जा रहा है। रथ में बैठे हुए लोग धर्मात्मा हैं, धर्म रथ का वर्णन है मानस में। अच्छा देखो, सड़क पर आप पैदल चलें तो कितनों को बचाना पड़ता है, स्कूटर मोटरसाइकिल तांगा रिक्शा, इनको बचाओ फिर अपनी साइड चलो, सामने भी देखो दाएं बाएं भी देखो, पीछे का भी हॉर्न सुनो, नीचे सड़क पर केले का छिलका ना पड़ा हो नहीं तो गिरा दे, कितनी जिम्मेवारी। एक आदमी था सिर झुकाकर चलता था, किसी से भी टक्कर हो जाए, और टक्कर हो जाती तो सिर उठाकर कहता कि बड़े गधे हो। लोग हंसते थे कि खुद टक्कर मारता हमें गधा बोलता है। एक दिन सिर झुकाए जा रहा था, गधे से ही टक्कर हो गई तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा कि गधा है, बोले आप तो आप ही हो, आपसे क्या कहना। अरे और दौर, कभी कभी ऊपर देखकर भी चलो। एक आदमी छत पे घूम रहा पान खाए,
नीचे से एक सज्जन निकल रहे थे, उसने बिना नीचे देखे पान की पीक चला दी, बेचारे के सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़ कर कहा, भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते थे? तो वो क्या बोले, तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो? अब बोलो, उसने मन में सोचा कि गनीमत है कि ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं सिर का स्थान मुंह ही होता। तो कितनी झंझट है, कितनी सावधानी है, लेकिन आप एक काम करो, पीछे बस आ रही है, अब बस में टिकट लेकर सीट पर बैठ जाओ, चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं बैठो, चाहे सो चाहे अखबार पढ़ो, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब जिम्मेवारी तो उसकी है जो गाड़ी चला रहा है। इसी तरह भगवान की शरणागति रूपी बस में विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, अब जिम्मेवारी तो उसकी है जो आगे चला रहा है। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूं। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभो, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे द्वंद दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। मैं शरण भी लूं तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूं तो सिया राम की। सृष्टि राजेश दिखे सिया राम मैं, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। करुणा करके तरनी तन की, रुजवारिद में प्रभु बोलियो ना। मन को प्रतिकूल परिस्थिति के नित दे झटका झकझोरियो ना। अपनों जन जान के राजस को, सुख में दुख में मुख मोरियो ना। तुम्हारे बल को अभिमान हमें हनुमान।
जो डोरियो ना। अब तो जिम्मेवारी उसी की है, मेरी नैया लगा दी जो पार, मेरी नैया लगा दी जो पार, नदिया में बैठ कर जाने वाले धर्मात्मा, हाथी पर बैठ कर जाने वाले ज्ञानी, घोड़े पर बैठ कर जाने वाले योगी, पर ये पैदल चलने वाले, दो पांव से चलते हैं, एक पांव आगे एक पीछे, फिर ये पांव आगे वो पीछे, ये मुझे लगता है ये दो पांव से पैदल पैदल चलने वाले, ये दो अक्षर का नाम रटने वाले, राम राम करने वाले ही पैदल चलने वाले हैं। रेमन तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले, बस। हम कभी किसी बड़े आदमी से कहते हैं कि आप जरा फोन कर दो, हमारा काम बन जाएगा, चिट्ठी लिख दो। वो कहते तुम निश्चिंत रहो, चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं, तुम तो हमारा नाम ले देना, काम बन जाएगा। और बड़े आदमियों के नाम से ही काम बन जाता है। भगवान ने भी कहा कि कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम तो दुनिया में जाओ, हमारा नाम ले देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराते हैं, जिनके पास कुछ कम पैसा है वो एसी टू टीयर में, उससे भी कम पैसा है तो एसी थ्री टीयर में, उससे भी कम पैसा तो स्लीपर में, और इतना भी पैसा नहीं तो फिर जनरल कोच। हे भगवान, जनरल कोच तो जबरन कोच है। तन में शक्ति हो तो उसमें प्रवेश करें। अब किसी के पास धन भी नहीं, तन की शक्ति भी नहीं, वो कहते भैया बैठ जाओ बैठ जाओ। सब बैठ गए तो दरवाजे पर थोड़ी जगह मिली, वहीं पांव अंदर करके बैठ गया, नीचे ना गिर जाए तो दरवाजे में जो खिड़की है वो छड़े लगी है तो पकड़ ली दोनों हाथ से। सबसे ज्यादा कमजोर यही है कि नहीं, निर्धन भी है कमजोर भी है, दरवाजे पर बैठा है, खिड़कियां को डंडे पकड़े हुए है बस। लेकिन आप सोचो जब ट्रेन अपने गंतव्य पर जाकर रुकेगी तो सबसे पहले उतरेगा कौन? बड़े बड़े रिजर्वेशन वाले नहीं उतर पाते, ये दरवाजे में बैठा तुरंत उतर के स्टेशन पर खड़ा हो जाए। इसी तरह जो भगवान के शरणागति के द्वार पर बैठकर राम नाम के दो डंडे पकड़े हुए हैं, जब मंजिल पर गाड़ी पहुंचेगी तो सबसे पहले मंजिल इसी आदमी को मिलेगी जो राम राम रटकर अपनी जिंदगी बिता रहा है।
निखात राज के यहां आए। यहां भी निखात राज ने जब सुना कि भरत जी सेना लेकर जा रहे हैं, नाराज हुए निखात राज, आक्रमण करो। छी कोई बाई और सगुनिया बोले सभी ज्योतिषी सगुन शुभ है। एक बूढ़े ज्योतिषी ने कहा कि सगुन शुभ है तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। बूढ़ एक कहे सगुन विचारी भरत ही मिली न होई ही रानी बूढ़े कहे सब सगुन विचारी कहे बूढ़ एक कहे सगुन विचारी बूढ़ एक कहे सगुन विचारी बूढ़ सगुन विचारी बूढ़े की बात मानी। सेना से कहा सैनिकों तैयार रहो और हम मिलने जाएंगे। बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए गए, दर्शन किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राम प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। भरत जी ने कहा गुरुदेव यह कौन का राम सखा। भरत जी रथ से कूद गए। गुरु जी ने कहा कि अयोध्या राज्य के अंतर्गत यह श्रृंगवेरपुर छोटी सी रियासत, इसके राजा को देखकर अयोध्या का सम्राट रथ से कूद जाए यह उचित नहीं है। गुरु जी आपने यह नहीं कहा कि ये निखात राज है, श्रृंगवेरपुर का राजा है। आपने कहा राम सखा, ये राम जी का सखा है, मैं राम जी का सेवक हूं। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। यह कोई बात हुई कि सखा लकड़ी की तरह धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ पर चढ़ा रहे। सखा को देखकर ये सेवक कूद गया है। गुरु जी बोले बस भरत तुम जैसे तो तुम ही हो। निखात राज को हृदय से लगाया भरत जी ने, ऐसे लगा मनो लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाए। रात्रि को सब सो गए। निखात राज ने देखा कि शायद श्री भरत भी सो गए होंगे, लेकिन भरत सो नहीं, रो रहे हैं। सुखिया सब संसार है जागे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु लोवे रो
बरसत नैन हमारे निस देन निस देन बरसत नैन बरस रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। निखात राज ने देखा, भैया अभी सोए नहीं, विश्राम नहीं किया। भरत जी ने कहा, मन को विश्राम मिले तब तन को विश्राम। हमें वो जगह बता दो जहां श्री सीताराम जी ने शयन किया, विश्राम किया। कहत वचन भरे लोचन कोए। निखात राज भी कुछ बोल नहीं सके, लेकर गए। सिंसुपा वृक्ष को देखकर भरत जी ने प्रणाम किया। किसी ने कहा कि भरत जी आपके प्रणाम करने से यह वृक्ष धन्य हो गया। भरत जी ने कहा कि हमारे प्रणाम करने से यह धन्य नहीं हुआ, यह वृक्ष तो धन्य है इसलिए हमने प्रणाम किया। अगर यह वृक्ष सौभाग्यशाली है तो अभागा कौन। मां कौशल्या ने फैसला कर दिया है, बड़भागी बन अवध अभागी, इसलिए वृक्ष भी भाग्यशाली है। जय तरुतर प्रभु बैठी जाई, करहीं कल्प तरु तास बड़ाई। मैं प्रणाम करता हूं। सीय साथरी देख, राम भैया के लिए कुछ सैया और जानकी मैया के लिए ये कुछ सैया। आंसू भर आए आंखों में। भरत जी सोचते हैं, महाराज जनक ने कहा था, कांकरी हूं जो सिया के कबों पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और ये कुछ सैया जानकी मैया के लिए। मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, फट क्यों नहीं जाता। बेहरत हृदय न हर हर पविते कठिन विषेक। लेकिन तब तक स्वर्ण बिंदु दिखाई पड़े। भरत जी ने स्वर्ण बिंदु माथे पर रख लिए। राखे शीश सी सम लेखे। स्वर्ण बिंदु कहां से आए। निखात राज ने कहा कि प्रभु भैया, भरत जैसे आपके नेत्रों से प्रेम आंसू बरस रहे हैं, इसी तरह राम भैया आपको याद करके आंसू बरसा रहे थे। राम जी को रोते देख कर श्री सियाजी के भी नेत्र सजल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरे। मैंने देखा जब जब व्याकुल होत सी अतिशय पुलकित गात। जब जब व्याकुल होत सी अतिशय पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए मही गिरत कनक बिंदु होए जात। आंसु गिरते स्वर्ण बिंदु हो जाते। भरत जी ने स्वर्ण बिंदु माथे पर रखे। ऐसे लगा जैसे श्री जनक नरेंद्र नंदनी जनक जानकी जी की कृपा मिल गई हो। दूसरे दिन भरत सब लोगों को आगे चला देते हैं, स्वयं
निखाद राज के साथ पैदल पैदल। भरत प्यादी आए आजू, भरत पयादे आए आजू, भरत भरत पयादे आए आजू। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन बहुतों ने किया होगा, पर श्री भरत जी ने जैसा दर्शन किया वैसा शायद किसी ने न किया हो। गंगा जी की धवल धारा श्री सीता जी के रूप में, जमुना जी की श्याम धारा श्री राम जी के रूप में, देखकर भरत जी प्रणाम करते हैं। जिन्हें गंगा यमुना में श्री सीताराम का दर्शन हो रहा हो, इस तरह तो प्रयागराज का दर्शन श्री भरत ही कर सकते हैं। भारतवर्ष के गौरव स्वनाम धन्य परम यशस्वी भक्तराज पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग पधारे, कार्य पूरा होने के बाद काशी लौटना था लेकिन रुक गए, सोचा संगम स्नान करके जाएंगे। अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए, पंडा जी हमें संगम स्नान। अब पंडा जी को मालवी जी कहें तो पंडा बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि हाँ जरूर हम कराएंगे आपको स्नान, बिल्कुल वहीं ले चलेंगे। ये मालवी जी बोले सो तो ठीक, लेकिन पंडा जी शुद्ध श्लोक का उच्चारण होना चाहिए। अब बेचारे पंडा सटपटा गया कि जो कुछ शुद्ध आता भी होगा तो इनके सामने और भूल जाएंगे, और हमारे श्लोक को व्याकरण से ज्यादा तो मतलब यजमान से ही होता है। लेकिन सोचा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध श्लोक आप चलो। सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे, नाव में बैठे थोड़ी दूर आगे बढ़े, मालवीय जी ने फिर कहा जमुना जी में याद है शुद्ध श्लोक? हां साहब। अब वहीं पहुंच गए संगम में, कटी पर्यंत जल में खड़े हो गए। मालवी जी फिर बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक? पंडा बोला मालवी जी आप कहां खड़े हैं? मालवी जी बोले संगम में। किनका संगम है? का गंगा जी जमुना जी सरस्वती जी का। अच्छा गंगा जी कहां है? और ये गंगा जी नहीं, ये गंगा जी, और जमुना जी ये जमुना जी, और का सरस्वती जी कहां है? का यहां सरस्वती जी लुप्त है। तो पंडा बोला मालवी जी जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात करते हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, कोई सुनकर आए कहने लगे महाराज एक श्लोक नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा में एक श्लोक नहीं। तो हमने विनोद में कहा कि भागवत होती परलोक के लिए, उसको श्लोक से क्या मतलब? परलोक के लिए होती, श्लोक से कोई मतलब नहीं।
अरे भाई, हमारे यहां कहा जाता था विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती थी। तो पंडा ने कहा कि जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। पंडा ने अपने ढंग से प्रयाग को देखा, श्री भरत जी ने अपने ढंग से। भरत जी कहते हैं प्रयागराज मांगूं भीख भीख मांगूं भीख त्याग निज धर्म होकर भीख की याचना, त्याग निज धर्मो, धर्म का त्याग करके। सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। अच्छा चलो, क्या चाहते हो? हमारे पास चार पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है और मोक्ष भी नहीं चाहिए। यह तो श्री भरत ऐसा कोई महात्मा ही कह सकता है, भरत ऐसे भक्तराज कह सकते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। अब इन प्रार्थनाओं को, इतनी ऊंची प्रार्थनाओं की स्थिति बिगड़ गई है हम लोगों की वजह से। ये प्रार्थना हम लोग भी रोज करते हैं, मंदिर में खड़े हो या हाथ जोड़े, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जैसे कोई प्राण ही न बचे हों इस पुकार में, इस प्रार्थना में। एक सज्जन मंदिर में खड़े, इतने में एक आदमी ने एक रुपया सिक्का ऐसा फेंक के चढ़ाया, वो मंदिर की ड्योढ़ी से टकराकर उन्हीं सज्जन के सामने आकर गिरा। वो हाथ जोड़े थे, उन्होंने पांव धीरे से आगे बढ़ाया और सिक्का को पांव के नीचे दबा लिया और प्रार्थना कर रहे थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। लेकिन ये सिक्का नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कभी विचार भी नहीं करते कि हमारी प्रार्थनाएं क्या सचमुच प्रार्थनाएं हैं। एक सज्जन 20 लाख रुपए बैंक में और परिवार में कोई नहीं, अकेले रोज मंदिर में जाएं, भगवान को प्रणाम कर लें, चरणामृत ले लें, फिर प्रार्थना में खड़े हो जाएं और एक दुआ बड़े जोर से कहते थे वो, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम।
कांपते कांपते नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। एक महात्मा रोज सुनते थे, उनको इतनी हंसी लगी, आगे का दोहा उन्होंने जोड़ दिया, जैसे बोले नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। सो महात्मा बोले 20 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। वो तो भगवान को पता है। प्रार्थनाओं को प्राणवान बनाए, यही भरत चरित्र सुनने का फल है। भरत जी कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अच्छा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर जन्म इतने जन्म किस लिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अजब भरत जी ने यह कहा, प्रयागराज पानी पानी हो गए और त्रिवेणी के मध्य से आवाज गूंजी, तात भरत तुम सब विधि सार, सब तरह से साधु हैं। और भरत जी ने एक वरदान तो ऐसा मांगा, जानू राम कुटिल कर मोही, राम जी मुझे कुटिल समझें। संसार वाले मुझे गुरु और स्वामी का विरोधी कहें, तो भी सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हम कम से कम इतना तो चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम करें वो जाने कि हम उसे प्रेम करते हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं कि राम जी को भी पता ना लगे कि मैं प्रेम करता हूं उनसे। वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहें और मैं उनके आगे से गुजरा करूं, वो समझते रहे मुझको एक अजनबी, अजनबी राहे मंजिल पे चलता रहे। तीर्थराज प्रयाग से चलकर भरद्वाज जी के आश्रम में आए, प्रणाम किया, सिर झुकाकर बैठ गए। भरत जी को यही संकोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचो, और भरद्वाज जी ने शील संकोच देखकर कहा, भरत हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई हमसे पूछे कि श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ यह किसका फल है, तो मैं कहूंगा कि जिंदगी भर की साधना का फल। सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। जीवन भर की साधना का फल श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन। और कोई पूछे कि श्री सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन का क्या फल है, तो मैं यही कहूंगा तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। क्योंकि भरत तुम नहीं जानते तुम कौन हो, मैं तो एक ही बात जानता हूं, तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम सने हो, तुम साक्षात राम प्रेम हो। मैंने प्रयागराज में स्नान करते समय ये मर्म समझ लिया था,
जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग ना उनसे सहा गया। आओ कवि भैरव एक भाव सुनाए तुम्हें, सुकवि समाज जिसे काव्य में बहा गया। करते स्नान थे मध्य में त्रिवेणी के, संकल्प सन्मुख श्री राम के पढ़ा गया। सुधि आई भरत की सुनते ही, भरत खंड गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। जाना मरम नहात प्रयाग। भरद्वाज जी ने व्यवस्था की, रिद्धि सिद्धियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था कराई, देख हरस विस्मय बस लोगा। लेकिन भरत जी ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, परमारथ स्वार्थ सारे, परमारथ स्वार्थ। भरत न सपने मन ही निहारे, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, परमारथ स्वार्थ, परमारथ स्वार्थ 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 स्वार्थ। भरत न सपने मन निहारे, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। सवेरा हुआ, भरत जी का दल चला। मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया, मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया, पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस नहीं अखिया, मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया, मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया, मिल जाओ राम। पहुंच गया भरत जी का दल, श्री भरत जी। देवता चाहते थे कि ये मिलने ना पाए, और निखादराज चाहते थे हम मिलाकर रहेंगे। सखई स्नेह विवश मग भूला, प्रेम के वश में होकर निखादराज रास्ता भूल गए और देवता रास्ता बताने लगे। अचर सचर चर अचर करत को, चित्रकूट आए, सबको ठहरा दिया मंदाकिनी जी के किनारे। श्री भरत चले भगवान को खोजने, संग में निखादराज और पीछे अनुज शत्रुघ्न। भरत जी सोचते हैं, मां की करनी याद आती है तो पीछे लौटने का मन होता है, और राम जी का स्वभाव याद आता है तो आगे बढ़ने का मन होता है।
भरत दशा ती अवसर कैसी, भरत दशा ती अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी तब तक निखाद राज में। देखो यहां एक बात सुनने जैसी है, निखाद राज ने तो संदेश दिया ही, पर श्री भरत जी के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं यहां भरत सब सहित सहाय। अब तक श्री तुलसीदास जी महाराज की शैली रही है कि राम जी के लिए तो लिखते हैं यहां यहां प्रात जागे रघुराई। यहां प्रात जागे रघुराई, यहां प्रात जागे कमल दिवाकर। यहां राम जी के लिए लिखते हैं यहां, और रावण आदि राक्षसों के लिए वहां वहां निशाचर राही
ससंग का। जब से जार गयो कपी लंका, वहां अर्धन सी रावण जागा, राम जी के लिए यहां और रावण आदि राक्षसों के लिए वहां। भाव यह है कि राम जी यहां रहे तो ठीक और राक्षस वहीं रहे तो ठीक, और यहां लिखने का यह भी अर्थ कि हम राम जी के पक्ष में हैं यहां और राक्षस वहां। सीधी सी बात, राम जी की तरफ है, लेकिन एक दिन आप आश्चर्य करोगे कि राम जी के लिए तुलसीदास जी ने वहां लिख दिया। वहां राम रजनी आवसे के लिए क्या लिखा, वहां राम, और भरत जी के लिए यहां भरत सब सहित सहाय। श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक और राम जी और दूसरे और रावण, तो हम राम जी के लिए यहां लिखेंगे और रावण के लिए वहां, और एक और राम जी और एक और श्री भरत जी हो तो भरत जी के लिए हम यहां लिखेंगे, राम जी के लिए वहां। निखाद राज ने कहा महाराज देखिए बड़े बड़े वृक्ष, नाथ देख यही बिटप विशाला पाकर जंबुल साल, नाथ देख साल देख मनमोहा, मंजुल साल देख मनमोहा, पट छाया